नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो बात करने वाले हैं हाई स्कूल की दूसरी पॉइंट की, जिसका नाम है साम ऑफ लाइफ, द साम ऑफ लाइफ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट, एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल। ट्रस्ट टू आर्ट टू डस रिटर्नेस्ट वॉज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल। देखिए, कवि जो है जीवन के बारे में बता रहे हैं कि जीवन साम ऑफ लाइफ मतलब साम मतलब भजन होता है, तो जीवन का क्या गीत है या भजन है उसके बारे में बता रहे हैं कि जीवन कैसा होना चाहिए। लाइफ जो है क्या है, इसमें बता रहे हैं कि लाइफ इज रियल, वास्तविक है, रियल है। और लाइफ इज अर्नेस्ट, अर्नेस्ट मतलब अस्थाई है, जीवन अस्थाई है, जीवन वास्तविक है। एंड और द ग्रेव यानी कि जो कब्र है या मृत्यु है, इज नॉट इट्स गोल, ये लक्ष्य नहीं है उसका। जीवन का लक्ष्य मरना नहीं है, मृत्यु नहीं है। डस्ट टू आर्ट, डस्ट मतलब धूल, मिट्टी, धूल मतलब यू, आर्ट मीन्स बने हो, तुम धूल से बने हो, मिट्टी से बने हो। टू डस्ट रिटर्नेस्ट, और टू डस्ट रिटर्नेस्ट, रिटर्नेस्ट वापस बन जाओगे, डस्ट वापस मिट्टी में मिल जाओगे। वॉज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, वॉज मीन्स था नॉट स्पोकन, ऐसा नहीं कहा गया था ऑफ द सोल, आत्मा के लिए, कि मिट्टी से बने हो, मिट्टी में मिल जाओगे, ऐसा आत्मा के लिए नहीं कहा गया, शरीर के लिए कहा गया है। कहते हैं कि जीवन सच्चा है, जीवन गंभीरता पूर्वक लेने वाली चीज है, ऐसा मजाक नहीं है, और जीवन का अंतिम लक्ष्य मृत्यु नहीं है, मरना नहीं है। और जैसा कि कहा जाता है कि हम मिट्टी से बने हैं और मिट्टी में ही मिल जाएंगे, ये बात आत्मा पर लागू नहीं होती है, क्योंकि ये आत्मा के लिए नहीं कहा गया है। कहने का तात्पर्य है कि हमें अपने जीवन के मूल्यों को समझना चाहिए, और सिर्फ पैदा हुए हैं मरने के लिए ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ऐसा कहा गया है कि 100 साल जीने के लिए 100 साल की उम्र जरूरी नहीं है, एक दिन में ऐसा काम कर जाओ कि दुनिया तुम्हें 100 साल तक याद रखे। तो आप हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि दुनिया के लिए कुछ हो, ताकि हमारे जीवन का असली मतलब निकले, है ना। नेक्स्ट पैराग्राफ है, नॉट एंजॉयमेंट एंड नॉट सॉरो इज आवर डेस्टाइंड इन आवर वे, but to act that each tomorrow finds us farther than today. Not enjoyment, not means नहीं, enjoyment मतलब खुशी, यानी कि खुशी नहीं, sorrow और दुख नहीं, sorrow मतलब दुख होता है, is means है, our means हमारा, destined मतलब कि निर्धारित, end यानी कि लक्ष्य है, यहाँ पे होगा हमारा निर्धारित लक्ष्य है, और वे या तरीका या रास्ता, खुशी या दुख नहीं होना चाहिए, सिर्फ खुशियाँ मनाना या फिर दुखी होना जीवन में यही नहीं है, और भी बहुत कुछ है। इसलिए हमें सिर्फ ये नहीं सोचना चाहिए कि खुशियाँ ही सब कुछ है या फिर गम ही सब कुछ है, जीवन में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत कुछ हो सकता है, क्या हो सकता है, बट टू एक्ट, हमें इनके बारे में सोचना छोड़ करके, बट लेकिन टू एक्ट, काम करना चाहिए, दैट की ईच टुमारो, ईच मतलब प्रत्येक, टुमारो आने वाला कल, फाइंड्स अस फार्दर, फाइंड मतलब मिले हमें, अस मीन्स हमें, फार्दर मीन्स से अच्छा, देन टुडे आज से अच्छा, हमें काम करना चाहिए ताकि आने वाला कल जो है वो आज से बेहतर हो। तो कवि ये कहना चाहता है कि हमें खुशियाँ मनाने या शोक मनाने में अपने जीवन को व्यर्थ होना चाहिए, हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि आने वाला कल बेहतर हो, हमारे आने वाली पीढ़ी कुछ बेहतर जीवन जी सके, कुछ बेहतर कर सके, ऐसा कुछ करना चाहिए ताकि लोग हमें याद रखें कि हमने कुछ ऐसा किया था जो उनके लिए, उनके जीवन में उपयोगी है, ताकि समाज, लोग हमें याद रखें, बस और कुछ नहीं, ऐसा ही। नेक्स्ट स्टांजा है, इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, इन द बियॉक ऑफ लाइफ, बी नॉट लाइक डम ड्राइविंग कैटल, बी अ हीरो इन द स्ट्राइव। इन द वर्ल्ड, इन मीन्स में द वर्ल्ड्स, एपोस्ट्रॉफीस लगा दे कि वर्ल्ड्स यानी कि दुनिया की, ब्रॉड लंबी चौड़ी, फील्ड मीन्स मैदान ऑफ बैटल मतलब युद्ध क्षेत्र, तो ये दुनिया का जो बहुत ही बड़ा लंबा चौड़ा युद्ध क्षेत्र है, युद्ध का मैदान है, उसमें या फिर इन द बियॉक ऑफ लाइफ, बियॉक मतलब होता है कि ये अस्थाई, ऑफ लाइफ मतलब अस्थाई पड़ाव, लाइफ मतलब जीवन का, और जीवन के अस्थाई पड़ाव यानी कि जो क्षणिक जीवन मिला है हमें, पल भर का जीवन मिला है, उसमें या फिर इस दुनिया के इस बड़े से युद्ध के मैदान में
वी नॉट लाइक ड्रम, बी मतलब बनो, नॉट मीन्स नहीं, लाइक मीन्स की तरह से, डम गूंगे की तरह से, या फिर ड्राइव इन कैटल, ड्राइव इन मतलब कि दूसरों के अनुसार, दूसरों के अनुसार चलने वाला, दूसरों की इच्छा के अनुसार चलने वाला, दूसरों के अंडर में रहने वाला, कैटल मतलब भेड़ बकरी जानवर मवेशी। तो गूंगे मत बनो, जानवर मत बनो, दूसरों की इच्छा के अनुसार काम करने वाला मत बनो, बी अ हीरो, बी मतलब बनो या हीरो, एक हीरो की तरह से बनो, इन द स्ट्राइव, इसमें स्ट्राइव मतलब कि संघर्ष, यानी कि संघर्ष में एक हीरो की तरह से बनो, दुनिया में, दुनिया के इस बड़े से युद्ध क्षेत्र में या फिर जीवन के अस्थायी पड़ाव में, चाहे किसी की बात हो, हमें गूंगे भेड़ बकरियों की तरह से, दूसरों के अनुसार काम करने वाले जानवरों की तरह से नहीं बनना चाहिए, और ऐसा मत बनो। हे इंसानों, संघर्ष में लड़ने वाले बहादुर हीरो की तरह से बनो, ताकि आपको दुनिया एक हीरो के रूप में याद रखे, जानवरों के रूप में नहीं, क्योंकि जानवर सोच नहीं सकते और कुछ अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। नेक्स्ट साझा है, लेट अस देन बी अप एंड डूइंग विद अ हार्ट फॉर एनी फेट, स्टिल अचीविंग, स्टिल परसुइंग, लर्न टू लेबर एंड टू वेट। तो अगर हमें जानवर नहीं बनना है, हीरो बनना है, तो उसके लिए क्या करना होगा, आगे बताते हैं कवि की। लेट अस, चलो, देन मीन्स फिर, तब, चलो फिर, बी अप, उठो, एंड डूइंग, और कुछ करो, विद अ हार्ट, विद मीन्स के साथ, हार्ट मतलब एक ऐसे हृदय के साथ, फॉर एनी फेट, फॉर एनी फेट मतलब भाग्य कोई भी हो, कुछ भी हो, भाग्य में लिखा हो उसके बिना बारे में बिना सोचे चलो, उठो और काम करो। Still achieving, still pursuing, still achieving, यानी कि हमेशा एक बेहतर भविष्य प्राप्त करने के लिए pursuing, आगे बढ़ते रहो, कोशिश करते रहो। Learn to labor, learn में सीखो, to labor काम करना सीखो, and to wait और इंतजार करना, फल की इच्छा मत कर, कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर, इसके बारे में आप सुने होंगे पहले भी। तो यहाँ कभी कह रहे हैं कि चलो उठो फिर, और भाग्य में चाहे कुछ भी लिखा हो उसके बारे में बिना सोचे उठो और काम करो, और निर्धारित लक्ष्य पाने के लिए, जो भी मन में ठाना है उसको प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहो, कर्म करो फल की इच्छा मत करो, जो करना है बस करते रहो, दिल से मन से जी जान लगा दो। कुछ भी ऐसा नहीं है जो इम्पॉसिबल है, क्योंकि ऐसा है इम्पॉसिबल खुद कहता है कि आई एम पॉसिबल। तो यहाँ कभी हमें यही बताना चाहते हैं कि हमें जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए, जीवन में कभी झुकना नहीं चाहिए, जानवरों की तरह से दूसरों की इच्छाओं के अनुसार काम नहीं करना चाहिए, और हमेशा अपने मन की सुननी चाहिए, ताकि हम अपने फैसलों को खुद ले सकें, जिससे कि हमारा आने वाला कल और बेहतर हो। थैंक यू, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।